बच्चों, इसके पहले आप तना के बारे में पढ़ चुके हैं, और तो तना भी पौधे का एक मुख्य भाग होता है। उसी प्रकार पत्ती भी जो है तने का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि पौधे पत्ती के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। आप सभी देखे होंगे पत्ती जो है हरे रंग का होता है, मतलब हरा दिखाई देता है। हरा इसलिए दिखाई देता है कि वहाँ पे एक वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल या पर्ण हरी, जिसकी वजह से पत्ती हरी दिखाई देती है। पत्ती का मुख्य कार्य है समस्त जीवों के लिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करना, साथ ही साथ वो जो पत्ती जो है वाष्पोत्सर्जन का कार्य भी करता है। साथ ही साथ पत्ती में स्टोमेटा पाई जाती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्ती के अंदर प्रवेश करता है और ऑक्सीजन पत्ती से बाहर आता है और वातावरण को शुद्ध करने में मदद करता है। तो अब देखिए पत्ती किसे कहते हैं। पत्ती की परिभाषा, तना में जो पर्व संध्या होती है, तना जब हम पढ़ रहे थे तो बताए थे जहां पे दो पर्व आपस में मिलते हैं उन्हें पर्व संधि कहा जाता है या नोड कहा जाता है, और दो पर्व संधियों के बीच का जो भाग है, जो लंबा मोटा या पतला हो सकता है, उसे पर्व कहा जाता है या इंटर नोड। तो पत्तियां पर्व संधि से निकलने वाले पार्श्व असमान उपांग होते हैं। ये पर्व संधि है, इस पर्व संधि से के लेटरल साइड या पार्श्व साइड से पत्तियां जो है निकलती हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी पत्ती की, तने के पर्व संधियों से, तने के पर्व संधियों के पार्श्व से निकले असमान उपांग पत्ती कहलाता है, और इसका मेन कार्य है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करना। अब आगे देखेंगे पत्ती के प्रकार। पत्ती आठ प्रकार का होता है। पहला बीजपत्री पत्ती, दूसरा शल्कपत्र पत्ती, तीसरा सपत्र, चौथा प्रोफिलस, पांचवा पुष्पी पत्र, छठवां सामान्य पत्ती और सातवां है मूल पर्ण। तो बीजपत्री पत्ती किसे कहते हैं? ये पत्ती के जो प्रकार हम देखें उसमें सबसे पहला प्रकार आपका है बीजपत्री पत्ती। बीज पत्र बीजों के अंदर जो पाया जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में दाने या दाल देखे होंगे आप लोग, तो उसमें जो दाने होते हैं उन्हें को क्या कहा जाता है? बीज पत्र कहा जाता है। तो जो ऊपरी भूमि जन्म अंकुरण करने वाले बीज जैसे कि सेम, इमली आदि, जो ऊपरी भूमि का अंकुरण करने वाले बीज होते हैं, उन वे बीज अंकुरण के समय उनके जो बीज पत्र है वो भूमि के ऊपर आ जाते हैं और हरे हो जाते हैं। हरे होने के पश्चात जब तक तना में सामान्य पत्ती का विकास नहीं हो जाता, तब तक वही बीज पत्र जो है भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की पत्ती को कहा जाता है बीज पत्री पत्ती। बीज पत्री पत्ती
जो बीज पत्रों से बनता है, अर्थात जो ऊपरी भूमि अंकुरण करने वाले बीज हैं, वे अंकुरण करते समय बीज को हम कहाँ अंकुरित करवाते हैं या कहाँ पे डालते हैं, जमीन में वो अंकुरित होता है। उस समय बीज पत्र जो है भूमि के ऊपर आते हैं और जब तक तना में या प्ररोह में पत्ती का विकास नहीं होता, अर्थात सामान्य पत्ती नहीं बनती है, तब तक खाद्य पदार्थों का निर्माण या खाद्य पदार्थों की पूर्ति जो है बीजपत्र ही करते हैं, इसलिए इन्हें बीजपत्री पत्ती कहा जाता है। दूसरा पत्ती है शल्क सपत्र। शल्क पत्र, शल्क पत्र पर्व संधि और कुछ पौधों की कलियों के ऊपर, शल्क पत्र पर्व संधियों में और कुछ पौधों की कलियों के ऊपर झिल्ली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, उन पत्तियों को कहा जाता है शल्क पत्र पत्ती। इनका कार्य है जो पर्व संधि में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं उनकी रक्षा करना, साथ ही पुष्प कलिका, यदि पुष्प के ऊपर, पुष्प की कलिका के ऊपर स्थित है शल्क पत्र तो कलिका की रक्षा करना। तो ये हो गया आपका शल्क पत्र, जो कहाँ पाया जाता है पर्व संधि और कुछ पौधों की कलियों के ऊपर झिल्ली के रूप में पाया जाता है, और ये जो है कली और कक्षस्थ कलिकाओं की रक्षा करता है। तीसरा जो पत्ती है उसका, उसे कहते हैं सपत्र। सपत्र पत्ती के कक्ष से या जिस पत्ती के कक्ष में से पुष्प उत्पन्न होता है। पत्तियां पौधे में बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनके कक्ष से क्या उत्पन्न होती हैं, पुष्प उत्पन्न होते हैं, तो इन पत्तियों को सहपत्र कहा जाता है। सहपत्र यदि मुख्य अक्ष के आसपास स्थित हो तो उन्हें सहपत्र के अलावा, यदि दूसरे पत्ती के समान संरचना मुख्य अक्ष पर स्थित होती हैं तो उन्हें सपत्रिकाएं कहा जाता है। तो ये हो गया आपका सपत्र पत्ती। सपत्र पत्ती किसे कहते हैं, जिस पत्ती के कक्ष से पुष्प उत्पन्न होता है उस पत्ती को सपत्र कहा जाता है। सपत्र जो है कई रूप में होते हैं, रंगीन भी हो सकता है, जैसे आप लोग कागज का फूल देखे होंगे, कागज के फूल को क्या कहा जाता है, बोगनवेलिया। बोगनवेलिया में आप सफेद या गुलाबी या संतरा रंग का पंखुड़ी के समान संरचना देखेंगे, देखे होंगे, वो वास्तव में क्या है, सपत्र है। फूल जो है काफी छोटे होते हैं, लेकिन हमको सपत्र ही दूर से फूल के रूप में दिखाई देता है। अगला है आपका प्रोफिलस। चौथा जो पत्ती है उसे कहते हैं प्रोफिलस। प्रोफिलस पत्ती उसे कहते हैं जब बीज अंकुरित होता है और प्ररोह का विकास होता है, तो प्ररोह में सबसे पहले जो छोटी पत्ती बनती है, ये मान लीजिए प्ररोह है या तना है, बीजों के अंकुरण के फलस्वरूप जो सबसे पहले नया या आरंभिक पत्ती बनता है उस पत्ती को कहा जाता है प्रोफिलस। अगली पत्ती है पुष्पी पत्र।
अगला जो पत्ती है वो है पुष्पी पत्र। पुष्पी पत्र के द्वारा पुष्प के विभिन्न भावों का निर्माण होता है या पुष्पी पत्र से फूलों का निर्माण होता है। पुष्प पत्र में पुष्प में जो भाग होते हैं वो है आपका बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है आपका पुमंग और चौथा है आपका जाया। ये जो है पुष्प में पाए जाने वाले विभिन्न भाग हैं और इन सभी भागों को पत्ती अर्थात पत्तियों का रूपांतरित रूप माना जाता है। इसलिए चूंकि इन पत्तियों के द्वारा पुष्प का निर्माण होता है इसलिए जो तना होता है या प्ररोह होता है उसे पुष्प को रूपांतरित तना भी कहा जाता है। तो ये आपका पुष्पी पत्र है जिससे पुष्प के विभिन्न भागों का निर्माण होता है। अगला है सामान्य पत्ती। सामान्य पत्ती हम जो देखते हैं पौधों में वो हरे रंग की होती है, जैसे कि यहाँ बनाया है ये एक सामान्य पत्ती है। इसमें ये पत्ती हरे कलर का है प्लस इसका रंग ये जो है आकार में चपटा होता है और इसके में कटाव पाए जाते हैं बीच बीच में, ये कटाव है। तो इस प्रकार की पत्ती जिसमें कि फलक चौड़ा होता है और हरा दिखाई देता है उसे कहा जाता है सामान्य पत्ती। और पौधों में सामान्य पत्ती ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। अगला जो पत्ती है वो है मूल पर्ण। मूल मतलब जड़। तो जो भूमिगत तने होते हैं भूमिगत तना की पर्व संधि में जो कलिका स्थित होती है उन कलिकाओं से पत्ती उत्पन्न होता है और वो जमीन से बाहर आता है। तो ऐसा लगता है हमको कि वो पत्ती कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, जड़ से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उस पत्ती को कहा जाता है मूल पर्ण या रेडिकल लीव्स। ठीक है, तो जो जड़ से उत्पन्न होती है पत्ती उसे मूल पर्ण कहा जाता है और जो तना से उत्पन्न होता है उस पत्ती को स्तंभी पत्ती या केवलाइन लीफ कहा जाता है। तो ये हुआ बच्चों पत्ती के प्रकार। विभिन्न प्रकार की पत्तियां हैं, बीजपत्र पत्ती, सल्क पत्र, सपत्र, प्रोफिलस, पुष्पी पत्र, सामान्य पत्ती और मूल पर्ण या रेडिकल लीव्स। सभी पत्तियों के कार्य अलग अलग होते हैं। अब हम आगे देखेंगे पत्ती के भाग।
देखना है हमको पत्ती के भाग, जो सामान्य पत्ती होती है उसमें के चार भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृंग, अनुपत्र या अनुपर्ण और पत्र फलक। तो सबसे पहले हम देखें पर्णाधार पत्ती में कहाँ पे स्थित होता है या पर्णाधार किसे कहते हैं। तो ये तना है, तो यहाँ पे आप ये जो फूला हुआ संरचना देख रहे हो ये है आपका पत्राधार या लीप बेस या पर्णाधार। तो पत्ती का वह भाग जिसकी सहायता से पत्ती जो है किससे जुड़ा रहता है, तना से जुड़ा होता है, उस भाग या संरचना को क्या कहा जाता है, पर्णाधार या लीप बेस कहा जाता है। लीप बेस को हाइपोपोडियम भी कहा जाता है। तो क्या बोल रहे थे, पत्ती का वो भाग जिसकी सहायता से पत्ती जो है किससे जुड़ा रहता है, तना से जुड़ा होता है, उस भाग को हम लीप बेस या पर्णाधार या पत्राधार या हाइपोपोडियम कहते हैं। किसी किसी पत्ती में ये जो पर्णाधार है या लीप बेस है वो फूला हुआ होता है। ये आप देख रहे हैं ये फूला हुआ है, तो ये लीप बेस फूला हुआ होता है तो उसे कहा जाता है पल्विनस पर्णाधार। और केला का पौधा देखे होंगे आप लोग, तो उसमें जो पर्णाधार है वो पर्णाधार जो है पूरे स्तंभ को इस प्रकार से घेर के रखता है। मतलब जो केला का पौधा है उसमें पर्णाधार तना को क्या करके रखता है, पूरी तरीके से घेर के रखता है। इस प्रकार के तना को कहा जाता है कूट स्तंभ, क्योंकि हम जानते हैं तना में, केला में तना जो है नहीं पाया जाता। हमको जो तने के समान संरचना दिखाई देती है वो किसकी होती है, पर्णाधार का भाग होता है, जो कि जो छोटा सा तना हो उस तने को चारों ओर से घेर के रखता है। अब अगला है आपका अनुपर्ण या अनुपत्र। लीप बेस के पार्श्व से, ये आपका लीप बेस है, लीप बेस के समीप से जो आउटग्रोथ निकलती हैं उन आउटग्रोथ्स को कहा जाता है अनुपर्ण या अनुपत्र या स्टीप्यूल। तो लीप बेस के समीप अनुपत्र स्थित होते हैं। जीन पत्तियों में अनुपत्र उपस्थित होता है उन्हें अनुपत्री पत्ती, जिसमें अनुपत्र या अनुपर्ण उपस्थित होता है उसे अनुपत्री पत्ती या स्टिप्यूलेट। स्टिप्यूलेट पत्ती कहा जाता है, और जिसमें अनुपर्ण या स्टिप्यूल नहीं पाया जाता उन पत्तियों को कहा जाता है अनुपत्री पत्ती या एक्स स्टिप्यूलेट। तो जिनमें अनुपत्र उपस्थित होता है उस पत्ती को क्या कहते हैं, स्टिप्यूलेट, और जिसमें अनुपत्र नहीं होता उन्हें कहा जाता है एक्स स्टिप्यूलेट पत्तियां।
स्टिप्यूल जो है कुछ पौधों में तुरंत गिर जाते हैं, उन्हें शीघ्रपाती कहा जाता है, और कुछ में बहुत समय तक लगे हुए होते हैं, उन्हें चीर लग्न स्टिप्यूल कहा जाता है। अब हम अनुपत्र कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब अनुपत्र के प्रकार देखेंगे। अनुपत्र चूंकि एक जैसे नहीं होते, उनके आकार रूप सब अलग अलग होते हैं, उसके आधार पर अनुपर्ण को निम्न प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहला जो प्रकार है वो है स्वतंत्र पार्श्वी या फ्री लेटरल। लीफ बेस के समीप जो अनुपत्र होता है वो स्वतंत्र रूप से स्थित होता है, तब उसे कहा जाता है स्वतंत्र पार्श्वी अनुपर्ण। और इस प्रकार के अनुपर्ण जो है पीपल की जो पत्ती है उसमें पाई जाती है, और गुड़हल की पत्ती में भी इस प्रकार जो स्वतंत्र पार्श्वी अनुपर्ण है वो पाया जाता है, और ये शुष्क होते हैं। दूसरा जो अनुपर्ण है वो है अभिलग्न अनुपर्ण या एडनेट स्टिप्यूल्स। इसमें अनुपर्ण पत्ती की जो रेचिस है, जो संयुक्त पत्ती होती है उसमें जो पर्णक लगे होते हैं उस संरचना को कहा जाता है रेचिस। रेचिस से जुड़े हुए होते हैं इसलिए इसे अभिलग्न स्टिप्यूल कहा जाता है, और ये पाया जाता है गुलाब में। तीसरा जो अनुपर्ण का प्रकार है वो है पत्रवत स्टिप्यूल, अर्थात जो अनुपर्ण है वो किसके जैसा होगा, पत्ती के समान या पक्ष के समान। ये आप देख रहे हैं पंख के समान संरचना, ये आपका अनुपर्ण है, और ये जो है मटर के पौधों में पाया जाता है। क्योंकि इसकी आकृति जो है पंख के समान है इसलिए इसको पक्षवत स्टिप्यूल या अनुपर्ण कहा जाता है। तीसरा जो अनुपर्ण है वह है इंटरपिट्यूलर स्टिप्यूल, जिसमें दो ऑपोजिट लीव्स या अभिमुखी जो पत्तियां पाई जाती हैं उनमें जो अनुपर्ण होते हैं उनके भीतरी किनारे बाहरी किनारे जो है आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के कारण दो अनुपत्रों के मिलने से एक अनुपत्र जैसी संरचना का यहाँ पे निर्माण होता है। तो यहाँ पे दो पत्तियां हैं, दोनों पत्तियों के अगल बगल में दो दो अनुपत्र होंगे, लेकिन हमको यहाँ पे केवल एक दिखाई दे रहा है, एक इसके जस्ट पीछे होगा। तो चार अनुपत्र मिलके दो अनुपत्र, मतलब चार के स्थान पे हमको कितने अनुपत्र दिखाई देते हैं, दो अनुपत्र दिखाई देते हैं, और ये चूंकि वृंत के मध्य में स्थित होता है इसलिए से इंटरपिट्यूलर स्टिप्यूल कहा जाता है। अगला जो अनुपत्र का प्रकार है वो है इंट्रापिट्यूलर स्टिप्यूल। इसमें पत्तियों की जो अनुपत्र है उसके भीतरी किनारे आपस में मिल जाते हैं, मिलने के कारण दो की जगह पे हमको केवल एक ही अनुपर्ण दिखाई देता है। तो ये चूंकि तना के बीच में स्थित होता है इसलिए इसको इंट्रापिट्यूलर स्टिप्यूल कहा जाता है। अगला जो स्टिप्यूल्स है वो है आपका नाला मतलब ट्यूब के समान या नली पाइप के समान संरचना। ये जो घास फूल के पौधे होते हैं उसमें पाए जाते हैं। स्टिप्यूल जो है तना को पूरी तरीके से घेर कर एक नली के समान संरचना बनाता है, पोली रहती है वो संरचना, इसलिए इस प्रकार के स्टिप्यूल को कहा जाता है नालाकार स्टिप्यूल, जो घास फूल के पौधों में पाई जाती है। अगला
जो अनुपर्ण है वो है कांटेदार स्टिप्यूल्स। कुछ पौधों में अनुपर्ण जो है कांटे में परिवर्तित होते हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप लोग बेर बबूल आदि में कांटा पाया जाता है। वो कांटा जो है किसका रूपांतरित रूप होता है? अनुपर्ण का। और कांटे रहने के कारण पौधों की पशुओं से रक्षा हो जाती है। अगला है प्रतान स्टिप्यूल। इसमें ये आप देख रहे हो स्टिप्यूल जो है या अनुपर्ण पतला धागा के समान या लंबा पतला संरचना में परिवर्तित होता है और क्या बना लेता है? प्रतान बनाता है। और प्रतान इस पौधे को आरोहण में मदद करता है, मतलब ये जिसमें स्टिप्यूल ट्रेंडिल के रूप में या प्रतान के रूप में पाई जाती है, वो तने जो है पतले होते हैं और उनको आरोहण में या ऊपर चढ़ने में मदद करता है ये प्रतान, जो कि किसका रूपांतरित रूप है? स्टिप्यूल या अनुपर्ण का। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के अनुपत्र जो है पत्तियों में पाए जाते हैं और इनकी उपस्थिति से पौधे सुरक्षित रहते हैं पशुओं आदि से। अगला आपका पर्ण वृंत या पिटियोल। पत्ती का वह भाग जिसकी सहायता से वो तना से जुड़ता है, ये आपको देख रहे हैं पत्ती में डंठल होती है, सामान्य भाषा में हम डंठल बोलते हैं, उस डंठल को पिटियोल या पर्ण वृंत कहा जाता है। जिन पत्तियों में ये आप देख रहे हैं ना, ये है आपका पर्ण वृंत। इस पर्ण वृंत की मदद से ही पत्ती का जो फलक है वो तना से जुड़ता है। और जिन पत्तियों में पिटियोल पाया जाता है उसको सवृंती पत्ती, और जिनमें नहीं पाया जाता उन पत्तियों को अवृंती पत्ती कहा जाता है, अर्थात जिसमें पिटियोल उपस्थित है उसको सवृंती या पिटियोलेटेड लीप कहा जाता है, और जिसमें पिटियोल या पर्णवृंत अनुपस्थित होते हैं उन्हें अवृंती पत्ती या फिर ससाइल लीप कहा जाता है। ससाइल लीप कहा जाता है। पर्णवृंत कई रूपों में पाए जाते हैं, उनमें से पहला है पर्णाभ वृंत, दूसरा सपक्ष पर्णवृंत, तीसरा स्पॉन्जी पर्णवृंत और वृंत प्रतान। जो पर्णाभ वृंत है या फिल्लोड है वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलियन बबूल में। इसमें सबसे पहले जो पत्तियां उत्पन्न होती हैं पौधे में वो बाइपिनेट कंपाउंड लिप्स होते हैं या पिच्छाकार संयुक्त पत्ती होती है। ये पत्तियां जो है छोटी होती हैं, क्योंकि ये कम पानी वाले एरिया में उत्पन्न होते हैं या कम पानी वाले क्षेत्र में ये पौधे पाए जाते हैं, इसलिए इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं। झड़ने के पश्चात इनका जो पर्णवृंत है वो चपटा और मोटा हो जाता है और पत्ती के समान संरचना का निर्माण करता है, और ये पत्ती के समान संरचना कहलाती है फिल्लोड या पर्णाभ वृंत। चूंकि ये हरा होता है इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। तो यहाँ पे जो पर्णवृंत है वो फिल्लोड के रूप में रहता है और फिल्लोड जो है पत्ती के समान ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। दूसरा जो पर्णवृंत का प्रकार है वो है सपक्ष पर्णवृंत। ये पाया जाता है नींबू संतरा आदि के पौधों में। इसमें जो पीटियोल है वो पंख के समान संरचना में परिवर्तित होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? सपक्ष या सपक्ष पर्णवृंत या विंग्ड पीटियोल कहा जाता है।
तीसरा जो पर्णवृंत है वो है स्पंजी पर्णवृंत, जो जलीय पौधे होते हैं जलकुंभी पिस्टिया आदि में जो पानी में पाए जाते हैं उनमें इस प्रकार का पर्णवृंत पाया जाता है। ये जो है फूला हुआ होता है और स्पंज के समान होता है। स्पंज के समान होने के ये आपका लेमिना है पत्ती का, मतलब सामान्य पत्ती में जो हम फलक बोलते हैं वो है, और उसके नीचे ये है आपका पर्णवृंत। तो इसमें पर्णवृंत जो है फूला हुआ होता है और स्पंज के समान होता है। स्पंज के समान होने के कारण इसमें हवा भरी हुई होती है जिससे पौधा जो है आसानी से पानी में तैरता है। नेक्स्ट है आपका वृंत प्रतान, इसमें पर्णवृंत ये आप देख रहे हैं ये पर्णवृंत है। ये पर्णवृंत जो है लंबा पतला संरचना में परिवर्तित होता है जिसे प्रतान कहा जाता है, और ये कलश पादप जिसको कि हम कीटभक्षी पौधा कहते हैं उसमें पाया जाता है। पीटियोल इसमें पत्ती के समान है, उसका सॉरी लीफ बेस पत्ती के समान संरचना बनाता है और पीटियोल प्रतान में परिवर्तित होता है, और जो फलक है पत्ती का जो फलक वाला भाग है वो घड़े के समान संरचना में परिवर्तित होता है, और पत्ती का जो एपेक्स है या उसका ऊपरी भाग है वो लीड या ढक्कन के समान संरचना में परिवर्तित होता है। और कीड़े जो है यहाँ पे नेक्टर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और नेक्टर ग्रंथियाँ जब प्रकाश इसमें घड़े के ऊपर या कलश के ऊपर पड़ता है तो ये चमकता है जिससे कीड़े जो है आकर्षित होकर यहाँ पे आते हैं और पौधा जो है इनको खा जाता है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। तो ये है आपका पर्णवृंत जो पत्ती के फलक को तना से जोड़ने का कार्य करता है, साथ ही साथ पत्ती को इस प्रकार रखता है कि पत्ती में पर्याप्त प्रकाश पर्याप्त प्रकाश मिले ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सुचारू रूप से हो सके। अब हम आगे देखेंगे पत्ती का फलक या पत्र फलक। पत्ती का अगला भाग है पत्र फलक या लेमिना। और यह जो है पत्ती का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ये चौड़ा होता है जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, ये आपका पत्र फलक का क्षेत्र है, ये काफी चौड़ा है चपटा है, साथ ही हरे रंग का होता है। हरा रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और यही पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है, अर्थात फलक में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। इन्हीं के निचली सतह पर मतलब जो पत्ती की निचली बाह्य त्वचा है उसमें क्या पाया जाता है, रंध्र या छिद्र पाया जाता है जिनको कि हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा की मदद से गैसों का आदान प्रदान होता है, साथ ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी संपन्न होती है। वाष्पोत्सर्जन में पानी जो है वाष्प के रूप में पत्ती से बाहर निकलता है। फलक में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं, उनमें पहला है आपका फलक का आकार
दूसरा फलक का किनारा, या मार्जिन, तीसरा पत्र, लीफ एपेक्स, फलक का कटाव, आदि। तो फलक, ये जो लेमिना है वह अलग अलग आकार के होते हैं। उनके आकार के आधार पे उनका नामकरण किया गया है। किसी किसी पत्ती में फलक का आकार जो है सुई के समान होता है। सुई देखें आप लोग, सुई के समान इस प्रकार फलक जो है पाया जाता है। तो इसको कहा जाता है सूचियाकार फलक, कहा जाता है। और ये पाया जाता है आपका पाइनासिया चीड़ में। चीड़ का जो पौधा है उसमें पत्ती की जो फलक है वो कैसी होती है, दिखती है सुई के समान, मतलब पतली और लंबी होती है। दूसरा आकार प्रकार है आपका रेखाकार। रेखाकार में लाइन के जैसा, जैसे इस टाइप से लाइन के समान होती है या रेखा के समान होती है, इसलिए इसको रेखाकार आकार कहा जाता है फलक का। और ये जो है पाया जाता है घास, धान आदि के पौधों में। कुछ फलक जो है, पत्ती का फलक हृदयाकार भी होता है। जैसे पान की पत्ती को आप लोग देखे हैं, पान किसके जैसा दिखाई देता है, हृदय के आकार में दिखाई देता है, इसलिए फलक को कहा गया हृदयाकार। इसमें पत्ती का ऊपरी भाग जो है चौड़ा होता है और नीचे का भाग जो है कैसा होता है, पतला या संकरा होता है। क्योंकि इसका आकार किस कैसा दिखाई देता है, फलम हृदय के समान, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हृदयाकार फलक कहा जाता है। तो ये पाया जाता है पान, मनी प्लांट आदि के पौधों में। अगला जो प्रकार है फलक का वो है वाणाकार या वाणाकार। ये कैसे होगा, बाण के समान, तीर के समान। ये पीटियोल है आपका, पत्ती का निचला किनारा चौड़ा होता है और ऊपरी किनारा जो है संकरा होता है। तो इस प्रकार ये दिखने में कैसा दिखता है, तीर के समान या वाण के समान, इसलिए इसको वाणाकार कहा जाता है। तो फलक का आकार कैसा है, बाण के समान, इसलिए इसको बोलते हैं वाणाकार। उसके बाद अगला है भालाकार। भाला के जैसा होगा। भालाकार में पत्ती का अग्रभाग जो है नुकीला या संकरा होगा और नीचे का भाग जो है कैसा होगा, थोड़ा चौड़ा होगा। तो इस प्रकार यदि फलक का आकार है तो उसे कहते हैं भालाकार फलक का आकार। तो ये अलग अलग प्रकार के पत्र फलक के आकार हैं जो अलग अलग पौधों में, अर्थात अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के फलक या लेमिना पाया जाता है। अब आगे फलक का किनारा। फलक का किनारा, ये जो पत्ती है, पत्ती के ये जो किनारे वाले भाग हैं
इस किनारे के भाग को कहा जाता है पत्ती का किनारा। पत्ती का किनारा भी अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार का होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये कैसा है, तरंग के समान। तो तरंग के समान यदि उसका किनारा है पत्ता फलक का, तो उसको बोलेंगे तरंगित किनारा। इसमें इस प्रकार के लहर के समान या वेब्स के समान क्या पाया जाता है, किनारा पाया जाता है। इसको कहा जाता है तरंगित या वेवी किनारा। दूसरा है आपका अभिन्न किनारा। जिसको एंटायर कहा जाता है, इसमें पत्ती में का जो फलक है वो बिना कटा हुआ होता है इस प्रकार का, तो इसको कहा जाता है अभिन्न किनारा। उसके बाद कुछ पौधे में पत्ती का किनारा आरी के समान होता है। हरा देखे होंगे आप लोग, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो यदि पत्ती का किनारा इस प्रकार का हो जिसमें ऊपरी भाग नुकीला और सकरा हो और निचला भाग जो है चौड़ा हो, वो कहलाता है आपका आरावत किनारा। तो ये गुलाब आदि के पौधों में पाया जाता है। दंतूर किनारा, दंतूर मतलब दांत के जैसा, ये पाया जाता है नीम के पौधे में। नीम की जो पत्तियां हैं उसमें किनारा एकदम सीधे इस प्रकार से सीधा होता है, तो इसको बोलते हैं दंतूर। और आरावत में भी सेम रहता है लेकिन उसमें ये थोड़ा झुका हुआ रहेगा, इसलिए वो आरी के समान, लेकिन जो दंतुर है उसमें मार्जिन सी के जो कटाव है वो सीधे खड़े हुए होते हैं या दांत के समान दिखते हैं, इसलिए इसको दंतुर किनारा कहा जाता है। तो फलक के किनारे भी अलग अलग होते हैं। सभी फलक का किनारा एक जैसा नहीं होता। अब है लीफ एपेक्स। पत्ती का सबसे ऊपरी भाग कहलाता है लीफ एपेक्स। ये किसी में लंबा होता है किसी में छोटा होता है। अब अगला है आपका फलक का कटाव। फलक का कटाव
कटाव, तो फलक का कटाव ये पर्णवृंत है, ये आपका मध्य सिरा है, पत्ती के बीचों बीच एक डंठल के समान संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं मध्य सिरा, और ये आपका अभी जो पढ़ रहे थे कुछ समय पहले वो है पत्ती का किनारा। तो ये पत्ती का किनारा, ये फलक है पत्ती का, तो ये किनारा वाला भाग जो है धीरे धीरे अंदर की ओर प्रवेश करता है या घुसता है, और जिससे उसको हम क्या बोलते हैं कटाव। तो यदि ये कटाव जो है मध्य सिरा तक नहीं पहुंच पाता, जैसे यहाँ देख रहे हैं आपका मध्य सिरा है और ये कटाव यहाँ पे आके रुक गया, इसके अंदर नहीं गया, तो इस प्रकार के कटाव मध्य सिरा तक नहीं पहुंच पाता, जिससे फलक जो है एक ही दिखाई देता है और या फिर एक सामान्य पत्ती के जैसा ही दिखाई देता है।